अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जैनब, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज संडे स्पेशल में जो हमारा लाइव इंटरव्यू सेशन होता है, जिसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर अजीम शाह बुखारी, एंड ये जो हैं न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि एक राइटर भी हैं। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, ये ट्रैवलर भी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को इन्होंने एक्सप्लोर किया। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे फ्लड रिलीफ कैंप लगाए इन्होंने अभी रिसेंटली जो फ्लड हुआ। इसके अलावा इनकी बहुत सारी जो है ना और हॉबीज भी हैं, जो कि इन पर ये खुद रोशनी डालेंगे। तो मैं वेलकम करूंगी सर आपको अपने लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन बताएं, अपनी कहानी अपनी जबानी शुरू से बताएं कि किस तरह आप डॉक्टर बने और फिर डॉक्टर। जी, सबसे पहले मैडम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरे इंटरव्यू का सोचा। और अपना इंट्रोडक्शन मैं यूं करवाऊंगा कि मेरा नाम मोहम्मद अजीम शाह बुखारी है और मेरा ताल्लुक तहसील खानपुर जिला रहीम यार खान से है। 2016 में मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने शेख जैद हॉस्पिटल लाहौर से रेडियोलॉजी में MCPS किया और आजकल मैं THQ खानपुर में अपॉइंटेड हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहा हूँ। साथ में जो मुझे है लिखने का, पढ़ने का और सियाहत का, सोशल एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा शौक है, तो इन कामों को भी जो है वो मैं साथ साथ जारी रखे हुआ हूँ। जी, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर बनना एक बहुत मुश्किल और पहाड़ सर करने वाला काम है, तो आप बताइए कि कितनी मुश्किलात पेश आई आपको डॉक्टर बनने में। MBBS का जो जर्नी है उसके बारे में कुछ बताइए। MBBS की जर्नी, बिल्कुल देखें मुश्किलात और आसानियां तो बिल्कुल आती हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं। MBBS के दौरान बहुत सी आसानियां भी आईं, बहुत सी मुश्किलात भी आईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्लाह की मदद भी साथ रही और दूसरा माँ बाप की दुआएं सबसे बढ़कर, और आपका अपना जो पैशन और क्रेज होता है वो भी साथ रहा। MBBS की लाइफ को मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, चाहे वो लेक्चर्स रहे हों, चाहे लाइब्रेरी हो या हमारे डाइसेक्शन हॉल हो या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इंजॉय किया। और मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले MBBS हुआ और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई, कुछ बीच में कुछ अरसा मैंने बेसिक हेल्थ यूनिट में भी काम किया एज अ जनरल MO, तो ये सब कुछ साथ साथ चलता रहा। तो आपने अपनी MBBS जो ग्रेजुएशन है वो कौन से मेडिकल कॉलेज से की थी? मैं जी राशि लतीफ मेडिकल कॉलेज लाहौर का ग्रेजुएट हूँ। सही सही। तो उसके बाद हाउस जॉब के बाद आजकल बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि जी पेरिफ्री पे हमें मेडिकल ऑफिसर लगा दिया गया, 2-2 साल कंपलसरी हो गया है, और वो जो स्पेशलाइज करने के बड़े जुनूनी होते हैं वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्या आपको लगता है कि पेरिफ्री पे काम करने से डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ता है या उसका टाइम जाया होता है एज अ स्पेशलिस्ट, उसको जल्दी इनरोल हो जाना चाहिए? देखें, पेरिफ्री में काम करने के प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। उसके नुकसान ये हैं कि आपकी जो है वो ट्रेनिंग डिले हो जाती है, आपका जो है वो टाइम एक तरीके से रुक जाता है, फिर जिस सर्कल में आप आ जाते हैं, जो पेरिफ्री का सर्कल है वो इंसान को जकड़े रखता है, बहुत से लोग निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। फायदे भी इसके हैं, फायदे इसके ये हैं कि आप बहुत कुछ नया सीख जाते हैं, आप जो पेरिफ्री के पेशेंट्स होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, वो किस तरीके से अपनी हिस्ट्री देते हैं, कैसे वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, आप ये चीजें समझ जाते हैं, उनके बहुत सी नई बीमारियों के जो है आपको इलाज पता चल जाता है। जाहिर है पेरिफ्री में आपके पास बच्चे बूढ़े खवातीन हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म का मर्ज आता है, तो आप इसमें आपका तजर्बा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग चाहते हैं कि हम पेरिफ्री ना करें या उनको पसंद नहीं है, उनके लिए भी जाहिर है अब तो बहुत से ऑप्शंस हैं, वो टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, वो प्लैब करके USMLE करके बाहर भी जा सकते हैं, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं उनके पास। तो आम तौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि डॉक्टर्स सिर्फ मरीजों में बिजी रहते हैं, तो आपका ये जो शौक है लिखने लिखाने का, माशाल्लाह आपकी मैं फेसबुक पे तहरीरें पढ़ती रहती हूँ, आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं और आपने पूरे पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सैर किया एज अ ट्रैवलर, तो ये हॉबी जो है ये बचपन से आपके साथ ही या बाद में डेवलप हुई? नहीं जी, ये जो हॉबीज हैं ये बचपन से मेरे साथ थी, लिखने लिखाने की, पढ़ने की और ट्रैवलिंग की। जाहिर है ये बचपन के जो शौक होते हैं यही परवान चढ़ते चढ़ते जो है वो बाद में जो है इंसान का इश्क बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब आपको किसी चीज का क्रेज होता है या आपको किसी चीज का पैशन होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, टाइम निकल आता है। जाहिर है जब भी आपके पास स्पेयर टाइम होता है या मेरे पास जब भी स्पेयर टाइम होता है, तो मैं अपनी इन्हीं एक्टिविटीज को देने की कोशिश करता हूँ।
तो अपनी बुक्स के बारे में आप कुछ बताइए, जो आपने दो बुक्स लिखी हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उनका क्या टाइटल है और उनमें आपने क्या रिसर्च किया? मेरी जो सबसे पहली किताब है वो शाहनामा है। मैं एक्सप्रेस मैगजीन के लिए लिखता रहता हूँ, संडे मैगजीन में गुज़िश्ता कुछ 4-5 सालों से मेरे मजामीन छप रहे हैं। तो शाहनामा में मेरे उन्हीं कुछ मजामीन का मजमुआ है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सकाफत, उसका अदब, तारीख, जुग्राफिया, उसके हवाले से बहुत से मजामीन हैं। जबानों के हवाले से हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हैं, सियाहत के हवाले से हैं, लाहौर के हवाले से हैं। तो मतलब एक तरह से वो मिक्सचर है पाकिस्तानियात का, जिसके अंदर इंसान को सब कुछ मिल सकता है। पाकिस्तान से मोहब्बत, आर्ट और कल्चर से मोहब्बत रखने वालों के लिए उसमें बहुत कुछ है। वो मेरी पहली किताब थी। दूसरी मेरी किताब जो अभी रिसेंटली 2 माह पहले आई है, उसका नाम हैरत सराय पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के तूल और अर्ज में फैले हुए अजाइब घर, जो म्यूजियम्स हैं, उनके ऊपर ये मबनी है। और इन म्यूजियम्स, कौन सा म्यूजियम कहाँ वाकई है, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, उसके ऊपर ये जो है मुश्तमिल है ये किताब। तो आपने इस किताब के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनको अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया, क्योंकि कुछ मेरी नज़रों से भी गुजरे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा हुआ है विद तस्वीरों के साथ, आपका बहुत वो हार्ड वर्क है। तो क्या ये सारा काम आपने अकेले किया या कुछ लोगों का आपको साथ शामिल था? जी, मोस्टली मेरा काम मैंने फेसबुक पे शेयर किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जो चीज़ देखता हूँ उसको लिखूँ। मोस्टली मेरा काम अकेला किया गया है, लेकिन लोगों का साथ भी शामिल रहा। जाहिर है इंसान सब कुछ अकेला नहीं कर सकता और मैं इस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहूँगा। बहुत से सफरों में बहुत से दोस्त हम सफर रहे, बहुत सी चीज़ों को कुछ लोगों ने मेरे लिए आसान किया। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं मेरा इन चीजों में भरपूर साथ दिया है। जैसे कहीं मैं सफर पे गया हूँ और उन्होंने कोई नई चीज दिखा दी, कोई नई चीज बता दी और किसी चीज के मुतालिक मालूमात फराहम कर दी, तो वो मेरे लिए आसान रहा और उसको फिर मैंने जो है नोट डाउन किया और मैं उसे किताब और मजमून की शक्ल में आप सब तक ले आया। तो आपने बताया कि आप प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट, तो ये रेडियोलॉजी का शौक आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करने का ख्याल कैसे आया? लोग तो सर्जरी की तरफ जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं। रेडियोलॉजी का शौक आया। एक तो मुझे हाउस जॉब में बहुत ज्यादा रेडियोलॉजी का शौक आया। मैंने जब जिना हॉस्पिटल में हाउस जॉब की, ऑब्वियसली मेडिसिन इतनी हैक्टिक थी, कार्डियोलॉजी इतनी हैक्टिक थी, तो मैंने फिर सोचा कि यार इंसान अपना टाइम, इतना टाइम जो है सुबह से शाम तक लगातार अपनी एनर्जी पुट करता है, अपनी मेहनत पुट करता है और उसके बाद भी मरीजों से और उनके लवाहिकीन से जो है वो धक्के खाता है, गालियां सुनता है, जिस तरीके से लड़ाई झगड़े का माहौल होता है एमरजेंसीज में, आप तो खुद खूब बेहतर जानती हैं। तो मुझे इस चीज ने बड़ा डिसहार्ट किया। फिर जब मैंने रेडियोलॉजी में हाउस जॉब की, एक मैंने रेडियोलॉजी भी चुना था अपना अलाइड में, तो ये मुझे बड़ी साफ सुथरी अच्छी लगी फील्ड और ये मेंटल पीस था इसमें। और खसूसन इस चीज में जाकर मैं अपनी एक्टिविटीज को जारी रख सकता था। और रेडियोलॉजी इस काइंड ऑफ वो फील्ड है जो हर चीज को कवर करती है। इसमें पीडियाट्रिक्स भी आ जाती है, गाइनी भी आ जाती है, मेडिसिन सर्जरी भी आ जाती है। तो इसी वजह से मुझे इस फील्ड ने काफी अट्रैक्ट किया और मैंने रेडियोलॉजी में जाने का सोचा। अच्छा, तो अब आप रेडियोलॉजी में, मतलब आप एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं, तो फिर आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम को ऐसे ही मैनेज करता हूँ कि छुट्टियों की जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उनकी उनकी ताक में रहता हूँ। बस जब पब्लिक हॉलीडेज आते हैं, एक छुट्टी जो है वो जाहिर है 2-3 छुट्टियां तो हमें अलाउ होती हैं पर मंथ, तो वो उसके साथ मैं अटैच करके अपनी छुट्टियां कहीं पर ट्रिप पर निकल जाता हूँ और मुख्तलिफ इलाकों की खोज करता हूँ। बाकी ये है कि वीकेंड भी जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत होता है। हफ्ते की रात को निकल गए और पूरा इतवार एक्सप्लोर किया और सोमवार की सुबह सुबह घर वापस सफर से आके फॉरन ड्यूटी पे चले गए। तो अच्छा, खाना पीना नींद वगैरह कुछ चीजें कुर्बान कर होती हैं तो फिर ही कहीं जाके कुछ अच्छी आउटपुट आपको मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। लेकिन टाइम इसी तरह मैनेज होता है कि जब आप प्लानिंग करके चलते हैं अपना वीकेंड जी और उसको लेके चलते हैं। तो आगे फ्यूचर, अभी जो रिसेंटली आपने फ्लड रिलीफ कैंप किए, एज अ सोशल मीडिया पर्सन भी आप काम कर रहे हैं और सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, तो फ्लड के बारे में बताएं, जिन इलाकों का आपने सफर किया, सैलाब मुतासर इलाकों में क्या हालात थे और कैसे आपने सर्विस दी?
हमने जब से सैलाब आया था, हमने 14 अगस्त 15 अगस्त से ही काम शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे तौनसा शरीफ है, फाजिलपुर है, रुझान है, इन इलाकों में जो है वो हमने मेडिकल कैंप्स लगाए और अच्छे खासे जो है ये मुतासरा इलाके थे। ना सिर्फ ये कि हमने मेडिकल कैंप्स लगवाए, बल्कि मैंने हतल इम्कान कोशिश की कि जो बलोचिस्तान और सिंध में मेरे दोस्त काम करते हैं उनको भी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उन इलाकों में अब दवाइयों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। और ना सिर्फ दवाइयां फराहम की जाएं, बल्कि हमने कोशिश की कि डेरा इस्माइल खान, डीजी खान के कुछ जो कच्चे घर हैं उनको गिराकर एक कमरा और एक वॉशरूम उनको नया बनवा के दे दिया जाए। अभी मैं आगे भी इंशाल्लाह मेरा प्लान है 1 हफ्ते के बाद बलूचिस्तान 4 दिनों के लिए जाने का। उसके मुख्तलिफ इलाके मैंने जो है वो सॉर्ट आउट किए हुए हैं, वहां पर अलहदा अलहदा मेडिकल कैंप्स लगाने हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि मलेरिया की जो वबा है, मलेरिया बहुत ज्यादा फैल गया है सिंध में, बलूचिस्तान में डेंगी और मलेरिया की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो रही है। और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली इसमें गवर्नमेंट का हमें किरदार कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर्स को या हम जैसे सोशल वर्कर्स को ही अब शायद आगे आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मेडिसिन जो है, अब आप देखें, एक डॉक्टर की एक महदूद सैलरी है, उसमें फिर आप कोई कहीं से फंडिंग होती है, कोई एनजीओज आपको हेल्प करती हैं, कैसे आप मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, या वैसे जनरल चैरिटी बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से आप काम नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई एनजीओ वगैरह या कोई फंड नहीं करती। घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा दे देते हैं, दोस्त अहबाब हैं और फेसबुक का हल्का अहबाब है। बहुत से मैं नाम नहीं ले ले सकता इस वक्त, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है, मैं कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरे फेसबुक के फ्रेंड हैं। वो अक्सर मैसेज करके कहते हैं कि जी शाहजी, डॉक्टर साहब आप काम कर रहे हैं तो ये हमारी तरफ से रख लें, ये हमारी तरफ से रख लें। ऐसे करते 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 अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, तो वो मैं उस अमाउंट से फिर जो है उनकी अमानतदारों तक, हकदारों तक पहुंचाता हूँ और उनको बाद में जो है वो बताता भी हूँ, तफसील भी भेजता हूँ। इस वजह से शायद लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इतबार है, जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट लेवल पे बड़े सेक्टर पे ये काम होना चाहिए, बकायदा डॉक्टर्स की टीम्स बनाकर उनको भेजना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली ये बहुत थोड़ा है। मैं खुद भी तौंसा जी शरीफ के बिल्कुल इलाके में विजिट करके आई हूँ, डैमेज बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, और वहां तक रसाई खासतौर पर लेडी डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे इतनी जी फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, वहां पे बिल्कुल रहना, वहां पे स्टे करना बहुत मुश्किल है लेडी डॉक्टर्स के लिए स्पेशली। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दे हमें, तो डॉक्टर्स वॉलेंटियरली काम करने को तैयार है, एटलीस्ट कुछ पार्ट गवर्नमेंट भी प्ले करे, डॉक्टर तो साहब, हम देखें ना सुन के जैसे प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। जी, अब जैसे हम लोग रहीमिया खान, बहावलपुर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ से हमें गवर्नमेंट के थ्रू हमें सिंध में या बलूचिस्तान में 1-1 हफ्ता या 5-5 दिन भी अगर भेजा जाए फॉर मेडिकल एड, तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ी बात है। बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पे, बहुत अच्छे कंपिटेंट डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1-1 हफ्ते के लिए भी अगर वहाँ पे कैंप्स करें और वहाँ पे लोगों को चेक करें, तो मेरे ख्याल में इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, और यही एक मौका है जिसमें हम ये शो कर सकते हैं कि वी आर यूनाइटेड, हम मुसलमान बहन भाई, पाकिस्तानी बहन भाई, एक दूसरे की मदद और हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और जी जो बिल्कुल हकदार बिल्कुल है उस तक उसका हक पहुंचना चाहिए, खास तौर पे वो लोग जिनको बीमारियां हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आपको सलाम है कि आप इतनी बिल्कुल मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटीज के साथ टाइम मैनेज करके बार बार वहां जा रहे हैं। मैं भी अक्सर देखती रहती हूँ माशाल्लाह आपकी एक्टिविटीज को, और बहुत आप हर, शुक्रिया मुझे लगता है आप हर हफ्ते प्लान करते हैं, हर महीने आपका कोई ना कोई विजिट होता है, तो ये बहुत जी। बड़ी इंशाल्लाह पहले बात तो है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पिछले महीने में अगस्त और सितंबर में तो तकरीबन हर हफ्ते होता था, अब ये हो गया कि बीच में मुझे भी डेंगी हो गया था। जाहिर है इन सैलाब ज्यादा इलाकों में जब आप जाते हैं तो आप अपनी भी केयर करनी पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह की कौम है, इवन डॉक्टर्स भी हम लोग खुद से जो है वो हो जाते हैं, हम लोग अपनी केयर इतनी नहीं करते, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, डेंगी हो जाता है। तो इस हवाले से 1-2 हफ्ते मैंने अपनी सरगर्मियां मौकूफ रखी हैं, अब इंशाल्लाह दोबारा उसको जो है शुरू करूंगा। सही सही। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे, डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मच्छर तो अब हर तरफ है, देखें मौसम आ गया है। जी, देखें सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, इदारों ने कुछ नहीं करना, जो करना है वो आप लोगों ने करना है, या आप सब लोगों ने, जो मोहल्ले के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मिलके करना है। सबसे पहले तो अब तो चलो सर्दियां आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपने अपने भी खुद को भी जो है वो पूरे प्रॉपर कपड़ों से ढांप के रखना है, और अपने बच्चों को भी जो है फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाने हैं, ये निकर शर्ट्स वगैरह जो है या हाफ स्लीव्स हैं, इनसे हत्तल इम्कान कोशिश करें कि परहेज करें। उसके अलावा जिन इलाकों में मच्छर ज्यादा हैं या जो लोग मच्छरों के करीब वाली आबादियों में रहते हैं, वहां कोशिश करें कि पानी, ठहरा हुआ पानी बिल्कुल ना हो,
रोजाना जो है वो ठहरे हुए पानी के उन इलाकों को साफ करें, पानी का जो है बहाव को उसको यकीनी बनाएं, मच्छर मार जो लोशन लोशन है मॉस्पिल वगैरह उसका इस्तेमाल करें, और अपने इलाके में जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे रिक्वेस्ट करें कि जो मच्छर मार स्प्रे है वो आपके इलाके में किया जाए ताकि आप डेंगी वगैरह से बच सकें। हाँ जी, और मॉस्किटो नेट्स जो हैं, जो मच्छरदानियां मिलती हैं, उनका इस्तेमाल भी अगर खुले जी एरियाज में किया जाए बिल्कुल तो वो भी बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल बिल्कुल बाहर सोते हैं उनके लिए तो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने बुक्स लिखी माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान के फिर कौन कौन से इलाकों को एक्सप्लोर किया, कौन कौन सी डिफरेंट जगह देखी, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत से इलाकों को एक्सप्लोर किया है, जैसे मोस्टली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर किया है, सिंध और बलूचिस्तान भी कुछ हो गया है, कुछ रह गया है। डिफरेंट पाकिस्तान, बहुत ज्यादा डिफरेंट लैंडस्केप है पाकिस्तान में। मैं आपको अगर बताना शुरू करूंगा तो शायद 3-4 सेशंस जो हैं वो कम पड़ जाएंगे इसके हवाले से। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पहाड़ हैं, सिर्फ वादियां हैं, सिर्फ आबशारे हैं। नहीं, पाकिस्तान में इससे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में आसारे कदीमा, हेरिटेज की बहुत ज्यादा जगहें हैं। पाकिस्तान में झीलें, डैम्स डैम्स बड़ी खूबसूरत हैं, उनकी बड़ी अच्छी साइट्स हैं। जनूबी जनूबी पाकिस्तान में आप चले जाएं तो सिंध और बलूचिस्तान में आपको बहुत कुछ और बहुत डिफरेंट लैंडस्केप आपको मिलता है। थरपारकर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, वो उसको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। बहावलपुर और ये रहीम यार खान रीजन हो गया, यहाँ पे चोलिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं कि लोग जब आते हैं उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को ये भी बता दूं कि जो आने वाला मौसम है, सर्दियों का मौसम सर बेस्ट मौसम होता है इन इलाकों को एक्सप्लोर करने का। अब तो खैर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब है, लेकिन बलूचिस्तान में भी झलमक्सी है, मेहरगढ़ है, कोयटा है, गवादर है, लसवेला है। इन इलाकों में बहुत सी आसारे कदीमा की और तारीखी जगहें छुपी हुई हैं जिनको मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को जाके देखना चाहिए। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। खास तौर पे खवातीन के लिए और मेरे जैसी पढ़ने वाली, मैं शुरू से पढ़ने में रही तो मैंने कोई ज्यादा टूरिज्म पे वो नहीं किया, ज्यादा शहर नहीं देखे, तो मैं सिर्फ आप जैसे लोगों की तहरीरें पढ़ के और कुछ वीडियोस देख के खुश हो जाती हूँ कि चले कभी मौका मिला तो हम भी देखेंगे। तो बहुत फायदा होता है जो आप लिखते हैं ना, उसका बहुत आपको इम्पैक्ट पड़ता है, एक दिल में शौक जागता है कि हम भी ये जगह देखें। तो आपने ये जिक्र किया कि आप एक मैं म्यूजियम बनाना चाहते हैं और ये सारी चीजों को, यादगार इन चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ये क्या प्लान है आपके जहन में? ये मेरा ये प्लान है कि मेरे वालिद साहब, जब मैं थोड़ा छोटा था, मतलब आई वाज इन 7th और 8th क्लास, तो मेरे वालिद साहब ने एक दफा अपनी कुछ चीजें बाहर निकाली तो मैं देख के बड़ा हैरान रह गया। बड़ी पुरानी पुरानी खूबसूरत किस्म की चीजें थी। खानपुर जो हमारा शहर है, खानपुर कटोरा भी इसको कहा जाता है, यहाँ एक जमाने में चांदी, पीतल, कांसी और मुख्तलिफ धातों के बड़े ही खूबसूरत कटोरे बनते थे जिसके ऊपर नक्शो निगार का काम किया जाता था। तो वो कटोरे मेरे वालिद के साहब के पास थे, और हुंजा की कुछ चीजें थी वो मैंने उनसे लेके रख ली, उसमें कुछ सिक्के भी थे। तब से मुझे शौक हुआ और तब से मैंने आहिस्ता 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 मुख्तलिफ चीजें जमा करना शुरू की। जिन सफरों पे मैं जाता था वहां से कुछ ना कुछ यादगारी चीजें लेकर आता था। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हमारे इलाके में भावलपुर के अलावा कोई म्यूजियम नहीं है, ना मुल्तान में है, ना रहीम यार खान में है। तो मैंने सोचा कि अगर सरकारी म्यूजियम कोई नहीं है तो हम अपने अपने घर में या अपने इलाके में कोई एक कमरा या कोई छोटी सी जगह बनाकर उसको डेडिकेट कर दें और एक पब्लिक म्यूजियम लोगों के लिए खोल दें तो आई थिंक सो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और खसूसन उन तालबात को बहुत ज्यादा फायदा होगा जो कि ये कल्चर और आर्ट को स्टडी करते हैं, जो बैनुल अक्वामी मजहबी हम आहंगी को स्टडी करते हैं। उनके लिए बहुत सी उसमें चीजें होंगी, किताबें भी होंगी, सिक्के भी होंगे, और मुख्तलिफ इलाकों के पहनावे भी होंगे, और भी बड़ी पुरानी और नई किस्म की चीजें होंगी। तो इस तरह से ये चीज मेरे जहन में आई। तो इसके लिए फिर आप क्या कर रहे हैं, आप चीजें बहुत सारी जमा कर चुके हैं, आपका खानपुर में ही म्यूजियम बनाने का प्लान है? जी, खानपुर में म्यूजियम बनाने का प्लान है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो है वो मुझसे मुकम्मल ताउन की यकीन दानी कराई है, और कुछ चीजें काफी सारी जमा भी हो गई हैं, कुछ और मैं जमा कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। चोलिस्तान वगैरह से जो है दोस्त वगैरह, जैसे कोई किसी का मुझे पता चला किसी के पास चरखा है तो मैं उससे लेने पहुंच जाता हूँ, कोई खड्डी है किसी के पास पुरानी तो मैं उससे खरीद लेता हूँ, किसी के पास कोई ट्रेडिशनल कपड़े पड़े हुए हैं चोलिस्तान के, जैसे मैंने एक दफा देखा कि एक सपेरा मुझे मिला तो उसका बड़ा खूबसूरत और जिस तरह का लिबास होता है ऑरेंज कलर का और बड़ा डिफरेंट सा, वो फिर मैंने उसको कह के बनवाया, फिर मैंने उसे परचेज किया। तो इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं आपको ढूंढने से। सही सही, तो यानी आपने अच्छी खासी कलेक्शन जमा कर रखी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशा, बिल्कुल ऐसी है। भावलपुर का म्यूजियम तो बड़ा मशहूर है और मैं बच्चों को लेके गई तो मैं देख के हैरान रह गई कि वहां पे डिफरेंट आर्ट और डिफरेंट कल्चर की चीजें हैं। वो जो पुराने हमारे जो पाकिस्तान जी बनने से पहले जो वहाँ यहाँ पे वो जो
मुजस्मा साजी की जो एक फन था, वो सारे आर्ट, और वो सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन कर रहे थे, मामा ये क्या है, मामा ये क्या है। और आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा सासा है हमारा कल्चर, उनको इससे मुतारिफ कराना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें, सोशल मीडिया का दौर है, गैजेट्स का दौर है, बच्चे उसमें से बाहर नहीं निकलते। उनको आम जिंदगी में लाने के लिए इन चीजों में इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को पता चले कि ये हमारा कल्चर है। देखिए, आप ये बदकिस्मती देखें कि जनरली जब हम लोग भी प्रमोट करते हैं भावलपुर को, या जब गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो भावलपुर को महलात का शहर कहा जाता है, और बिल्कुल उसका हक भी है। बहुत ज्यादा महलात को हम फोकस करते हैं, किला दिलावर को फोकस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि भावलपुर में एक म्यूजियम भी है जो कि बड़ा जबरदस्त है, जिसमें बहुत पुराने दौर से लेकर, हिंदू दौर से लेकर, बुद्ध मत दौर से हिंदू लेकर, नवाबों, बहावलपुर, सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के हवाले से बहुत सी चीजें पड़ी हैं, उनकी यूज की हुई गाड़ी, उनके सिक्के, उनकी बहुत सी चीजें। और उसी म्यूजियम के साथ एक एसई कॉलेज लाइब्रेरी है, एक बड़ी गवर्नमेंट लाइब्रेरी बहावलपुर है, जिसकी इमारत बड़ी शानदार है, और जिसके अंदर किताबों का एक वसीह जखीरा है। तो हम इस चीज को हाईलाइट, आई डोंट नो कि क्यों नहीं करते, इसको भी करना चाहिए। जो मेरी दूसरी किताब है, हैरत सराय पाकिस्तान, उसमें बहावलपुर म्यूजियम के हवाले से अच्छा खासा मैंने लिखा हुआ है उसपे। बिल्कुल। और ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और आप यकीन करें, जब मैं यहाँ कायद अजम मेडिकल कॉलेज में आई ग्रेजुएशन करने, तो मेरे लिए ये बहुत फैंटेसी थी, क्योंकि मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक था। और मैं जैसे ही टाइम फ्री मिलता था, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी, बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल के सामने थी, दरम्यान में एक रोड था, तो मैं वहां पहुंच वाह जाती जी, थी। तो लाइब्रेरियन बड़ा बिल्कुल रिस्पेक्ट था, वो मुझे उसके कहता पास। था कि आप मेडिकल की किताबें पढ़ के थकती नहीं हो जो यहाँ आ जाती हो। तो वो मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं वहां पे, इनवायरनमेंट बाकायदा बच्चों का सेक्शन बना हुआ है उस लाइब्रेरी में, और बड़ा जी, बाकायदा उस वहां पे लाइब्रेरी का उनकी फीस भी इन्वायरमेंट कट बहुत करती पीसफुल है। है। जी बिल्कुल। तो ये चीजें बताने से, प्रमोट करने से बढ़ती हैं। मैंने भी इस पे कुछ वीडियोस बनाई थी वहां पे, कुछ तस्वीरें फेसबुक पे लगाई थी। बात ये है कि जो हम आपकी तरह, ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये दिखावा है, जो हम तस्वीरें लगाते हैं, कहीं किसी होटल में गए हैं, किसी अच्छे पब्लिक प्लेस पे गए हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हैं, अपनी फैमिली की या उस जगह की तस्वीरें लगाते हैं, तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये दिखावा है, सोशल मीडिया है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कोई पॉजिटिव यूज है, या वाकई ये दिखावे और नेगेटिविटी की ही दुनिया है? नहीं, बहुत अभी रिसेंटली जब सैलाब आया, तो मैं भी शायद पहले यही समझता था कि सोशल मीडिया जो है वह बहुत बुरी लत है और बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है। लेकिन आज भी मेरा एक मजमून छपा है मैगजीन में, सैलाब, सोशल मीडिया और सैलाब, किसी दूर दराज के इलाके में किसी बच्चे ने, किसी बच्ची ने अपने इलाके की, अपने घरों की तस्वीरें जो है वो बनाकर फेसबुक पे डाली हैं, और कहाँ से उसको इमदाद मिल गई है, मेरे पास कहाँ से फोन आ रहा है, बरोगिल वैली से यार कौन से फोन आ रहा है कि जी हमें ये चीज चाहिए, और उसके लिए इमदाद लाहौर से आ रही है। तो ये क्या है, ये जाहिर है सोशल मीडिया की ताकत और एक कनेक्टिविटी, और खसूसन मैं कनेक्टिविटी कहूंगा कि जैसे आप बहावलपुर में बैठकर आज मुझसे यहाँ पर इंटरव्यू कर रही हैं, और हम बातें कहाँ की कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की। तो सोशल मीडिया को आप जितना अच्छा पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन है, एक अच्छी खासी ग्रोथ है। और दूसरी बात, ये पिक्चर्स लगाना, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी अच्छे कॉज के लिए लगा रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। अगर आप कहीं पर जाते हैं, वो चीज लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके हवाले से आप अगर कोई तस्वीर लगाते हैं, तो ये बुरा नहीं है। अगर आप किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं, अगर आप इस सेंस में उसकी तस्वीर लगाते हैं कि लोगों को पता चले कि इनके पास क्या अच्छी वैरायटी है, क्या अच्छी वैरायटी नहीं है, जिससे बहुत से लोगों को फायदा हो जाता है, ये चीज अच्छी है। बजाय इसके कि आप फजूल किस्म की बेतुकी जो लोग पोस्ट शेयर करते हैं, उसके बजाय हमें पॉजिटिव और मस्बत चीजों को ज्यादा शेयर करना चाहिए। तो ये इस हवाले से सोशल मीडिया की जो ताकत है, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा मस्बत पहलू की तरफ है। बिल्कुल। ये मुझे भी अंदाजा नहीं था, आज से 2 साल पहले जब कोविड नया नया आया, तो तब मुझे पता चला। मैं भी सोशल मीडिया को वेस्टेज ऑफ टाइम समझती थी, लेकिन इस 2 साल के इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि न सिर्फ आप अपना मैसेज पॉजिटिवली स्प्रेड कर सकते हैं, बल्कि आप एक पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैं यहाँ पे एक चेंज है।
एक बात सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, करना चाहूंगा कि मैंने आपका जब पेज देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने औरतों के छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, जचकी के हवाले से, हमल के हवाले से। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे पास दूर दराज से और खसूसन गाँव से, देहातों से औरतें आती हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, और उन औरतों का ये हाल होता है कि वो अपना एंटीनेटल चेकअप में पहला अल्ट्रासाउंड 8वें महीने में जाकर करवाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं, किसी में एनेनकैफली निकल रहा होता है, किसी में हाइड्रोसेफलस निकल रहा होता है, फॉलिक एसिड उनका इंटेक बिल्कुल जीरो होता है। मतलब उनको अल्ट्रासाउंड की अफादियत का या एंटीनेटल चेकअप जो होता है, एंटीनेटल विजिट की अफादियत का नहीं पता होता। गांव की घरेलू औरतें होती हैं, वो उसी तरीके से प्रेगनेंसी के साथ काम करती रहती हैं और वो समझती हैं कि जी 9वें महीने में बच्चा डिलीवर हो जाएगा, बट इस तरह से नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं और औरतों को ये आगाह करें कि हमल के दौरान एंटीनेटल चेकअप और अल्ट्रासाउंड कितना जरूरी होता है, खसूसन जो आपका शुरू का हमल है, पहले 3 जो महीने हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है तो आप उसको ईजी ना लें। एक बस मैं केस आपसे शेयर करूंगा कि मेरे पास शेख जैद लाहौर में इमरजेंसी में ऐसा भी केस आया था कि एक खातून थी, उसके बच्चे को मरे हुए 3 से 4 दिन हो गए थे, लिटरली 3 से 4, और अंदर उसके यूट्रस के अंदर बिल्कुल वो कचूमर सा बना हुआ था बच्चे का। जब मैंने उसे पूछा कि बीबी तुम्हें जो अगर 2-3 दिन पहले अगर तुम्हें ब्लीडिंग हो रही थी तो तुम अल्ट्रासाउंड के लिए क्यों नहीं आई, तो वो रोने लग गई और उसने रो के बताया कि मेरी सास मुझे ये कह रही थी कि तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम आराम से घर बैठो और काम करो। इस तरह के हालात हमारे यहाँ। बिल्कुल, ये ऐसे बहुत से केसेस मैंने भी देखे हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि हर इमरजेंसी कॉल के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं स्टोरी शेयर करूं। वो ख्वातीन जो खूनो खून हमारे पास आती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए, जी और कभी कभी वो जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती कि इतनी मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ कि आप यकीन करें अगले जो 12 घंटे है ना मेरे एक सैडनेस में गुजरते हैं। अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाती है, खासतौर पर औरत बच्चा डिलीवर करते हुए ब्लीडिंग उसको ज्यादा हो गई और घर वाले उसको लेके नहीं आए, लेट लेकर आए, घर में फैसला करने में उन्होंने देर लगाई कि जी नहीं जी कोई मसला नहीं है। जब मरीज सीरियस हो गई एक दफा, जब वो शॉक में चली गई, जब उसके सारे आर्गन फेलियर हो गए, फिर जब वो हमारे पास आखिरी सांसों पे फिर हैं, तो हमारे पास सिवाय उनको ये बताने के कि अब मरीज का बचना मुश्किल है, हम कोशिश करके देखते हैं, और कोई जवाब नहीं होता। थोड़ा सा अगर जल्दी ले आए मरीज को, जब उसको प्रॉब्लम शुरू हुआ था, खासतौर पे ब्लीडिंग वाला मरीज जो हमल वाला है, मैं अक्सर ये इसके इस टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। लेकिन बात सारी ये है कि इस मैसेज को पब्लिकली हर फोरम पे स्प्रेड करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अभी कुछ अर्सा पहले टिकटॉक पे भी अपना अकाउंट बनाया। पहले मैं टिकटॉक को भी बहुत बुरा समझती थी, एज एंटरटेनमेंट या डांस गाने इसके फोरम समझती थी, लेकिन मुझे टिकटॉक के मैनेजर की बाकायदा कॉल आई कि हम हेल्दी कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, डॉक्टर साहबा आप अपने छोटे छोटे वीडियोज हमें दें, हम हेल्थ पे आपकी आपको प्रमोट करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फेसबुक से ज्यादा टिकटॉक पे लोग वो हेल्थ एजुकेशन की वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं बाकायदा टिकटॉक देख के। आम पब्लिक जो है वो टिकटॉक भी बहुत देखती है, फेसबुक भी बहुत देखती है, और अब तो मेरा ये जी पैशन बन गया कि डेली 1 या 2 वीडियोस मैं बनाती हूँ इसी हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से। और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे ये सजेस्ट किया, मैं इसको मजीद इस फॉलिक एसिड और अल्ट्रासाउंड की जी अहमियत पे भी डॉक्टर, बताऊँ। आपकी माशाल्लाह ये तो आपको बहुत ज्यादा लाइक ए तहसीन है, और जैसे आपने अपनी कॉल के हवाले से शेयर किया, बिल्कुल हमें भी जब कोई ऐसा केस देखते हैं बहुत अफसोस होता है कि जाहिर है एक औरत जो 9 माह एक बच्चे को अपने पेट में रखती है, कैसा हो कि अगर 8वें 9वें महीने के बाद उस औरत ने अपना वक्त खर्च किया, उसके शौहर ने अपना पैसा खर्च किया, उसने अपनी तवानाई, अपने एहसास और जज्बात से उस बच्चे को सींचा अपने हमल में, और जब उसको ये बताया जाए कि जी आपका बच्चा अब जिंदा नहीं है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। ये हमें भी बहुत दुख होता है, और पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर बेहिस हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर के अंदर बहुत एहसास होता है, लेकिन वो अपने एहसास हर बंदे से डिस्कस नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से तमाम देखने वालों को ये कहूंगा कि हर दफा हर वक्त डॉक्टर्स ही गलत नहीं होते, डॉक्टर ही गलती पर नहीं होते, या गायनाकोलॉजिस्ट ही हमेशा गलती पर नहीं होते, कभी कभी गलती बल्कि अक्सर गलती मरीज की या उसके लवाहिकीन की भी होती है, जो उसकी केयर करने में उसकी केयर सही तरीके से या तो नहीं करते या उसको बहुत लेट लेकर आते हैं हमारे पास कि उसका जब तब तक कुछ नहीं बचा होता। बिल्कुल ऐसी है। और एक आम लोगों का ये है कि सॉरी टू से, लेकिन अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है उसके बारे में तो ये मशहूर है कि जब आखिर स्टेज पे आप लेके आएंगे तो जाहिर है मरीज का जनाजा ही जाएगा, लेकिन लोग ये कहते हैं उनसे रिलेटिव जब आपस में बात कर रहे थे तो हम सुनते तो है ना कि वे क्या मतलब साकू तो पहले ही पता ही तो जेड़ा बंदा इतना आंधा है उसकी मंजी जवी के वैली है, मतलब दे मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हम यहाँ लाए हैं तो आखिरी स्टेज पे लाए हैं
तो वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से इसका जनाजा ही लेके जाएंगे। मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि बड़े अस्पताल में जब हम जाएंगे तो मरीज जिंदा वापस नहीं आएगा। ये सेम उनको ये बिल्कुल फोकस करना बहुत जरूरी है कि आप टाइम पे लेकर आए, आप लेके ही लेट आते हैं। हमारे हमारे खानपुर टीएचक्यू के बारे में, बल्कि शायद हर शहर के टीएचक्यू के बारे में यही मशहूर होगा कि जी खानपुर टीएचक्यू में इमरजेंसी में मरीज लेकर जाओ तो यही कहते हैं कि इसने नहीं बचना, इसको रहीम यार खान ले जाओ। भाई जिस टीएचक्यू के इमरजेंसी में जिस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है उसके लिए कार्डिक मॉनिटर अवेलेबल नहीं होगा, जहां का ग्लूकोमीटर खराब होगा, जहां चार की बजाय कोई एक ब्लड प्रेशर अप्रेटस जो है वो काम कर रहा होगा, और बमुश्किल दो या तीन डॉक्टर ड्यूटी पर वो हजारों मरीज देख रहे होंगे, तो आप मुझे बताएं कि वहां पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं मरीजों से? क्या वो बड़े बड़े ऑपरेट करेंगे या बड़े बड़े डायग्नोसिस करेंगे? और जब हम उनको ये बताते हैं मरीजों को कि ये सब चीजों को प्रोवाइड करना काम इंतजामिया का है, गवर्नमेंट का है, ब्यूरोक्रेसी का है, तो उनको ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि उस वक्त ऑन द ड्यूटी या डॉक्टर होता है या फार्मासिस्ट होता है, तो जाहिर है फिर मरीजों का जो अताब है ना वो इन्हीं लोगों पर नाजिल होता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। जी, ये बड़ा हम तल्ख अपने तजर्बा शेयर करने बैठ गए हैं, और इसी इसी चीज से जी थोड़ा सा एक विंडो लेती हूँ मैं, थोड़ा सा किनारा करती हूँ। जब बहुत ज्यादा मैं सैड हो जाती हूँ तो फिर मैं सोशल मीडिया पे और बातें करनी शुरू कर देती हूँ कि शायद ध्यान बढ़ जाए। वो कहते हैं ना, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो मरीजों के और मोहब्बत भी बड़े दुख हैं, क्या करें, जितने मसाइल हम फ्रोलेंगे वो बढ़ते जाएंगे। ये एक वाकई फैक्ट है कि हमारे मुल्क में सहूलियात की कमी है, और लेकिन हम अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, अपने हिस्से का काम हम करें, बिल्कुल जितनी हम अवेयरनेस दे बेशक सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या ठीक है क्या गलत है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद भी यही था कि जिस तरह माशाल्लाह आप सोशल एक्टिविटीज करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी एक हद है, एक लिमिट है जिसमें हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल मसीहा का जो टाइटल है ये बहुत खूबसूरत है, और ये अल्लाह ताला का बिल्कुल सिर्फ ताला की सिफत है जो मसीहाई है। लेकिन जब बेशक हम हमारे से लोगों की एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई होता है, तो बहुत भाई होता है। जब वो हम इंसान की बजाय मसीहा या कोई फरिश्ता समझने लगते हैं, तो उस टाइम पे फिर उनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि ये डॉक्टर जो है ये मतलब क्यों नहीं हेल्प आउट कर रहा। कभी कभी हमारे हाथ भी बंधे होते हैं और हम वो उस तरीके से नहीं कर पाते जो हम करना चाह रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दवाइयों का भुगतान ना सिर्फ पेरिफरी पे है बल्कि टर्शरी केयर सेंटर में भी अब बेसिक जो बुनियादी अद्वियात है उनकी शॉर्टेज हो चुकी है। अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाए, आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान इंशाल्लाह का वो रोशन हो, हम सब मिलकर कोशिश करें और इसके अमन और इसके मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोशिश भी करें और दुआ भी करें, क्योंकि ये हमने ही मिलकर करना है। आमीन और अगर हम बेशक पॉजिटिव बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे, तो लोग तो पहले ही परेशान और मायूसी में हैं। इसलिए कोशिश ये होती है कि जी लोगों को बिल्कुल मैं पॉजिटिव ही मैसेज दूं, और ये जो ग्रेव किस्म की स्टोरीज हैं इनको मैं इसलिए भी दबा जाती हूँ कि पहले ही मुआशरे में बहुत ज्यादा जो है ना, आपने हाँ देखा होगा, डिप्रेशन और टेंशन और हाँ स्ट्रेस वाला माहौल है, खासतौर पर खवातीन बहुत असर लेती मेरे पास भी टेंशन अपनी ज्यादा होती एकेडमिक्स है। के हवाले से बहुत ज्यादा कहानियां हैं, क्योंकि आपको पता है एक राइटर एक मुसन्निफ बहुत हसास होता है, तो हम लोग उसकी बिल्कुल डेप्थ में जाकर बोलते हैं, और रेडियोलॉजिस्ट से खवातीन आती हैं तो बहुत कुछ शेयर करती हैं, जाहिर है क्योंकि जब वो एक्सपोज करती हैं अपने आप को तो उससे बढ़कर और क्या रह जाता है एक डॉक्टर और एक पेशेंट के दरमियान, तो वो बहुत कुछ शेयर करके जाती हैं और बहुत कुछ शेयर करने के लिए होता है मेरे पास, लेकिन मैं फिर वही कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीजों को दबाकर सियाहत पर, अदब पर, तफरी पर, आर्ट और कल्चर पर इसलिए लिखूं ताकि लोग इस तरफ माइल हों, और पहले जो हमारे माशरे के अंदर एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, एक हर चीज को मनफी पहलू में लेना है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, सियासत के हवाले से एक दूसरे के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इल्जामात लगाने हैं, तो इस चीज को कम करने के लिए कुछ बफर लोगों का या बफर जोन्स का होना जरूरी होता है, जो कम अज कम आपको मौसीकी की तरफ, अदब की तरफ, या अच्छे हवाले से मजहब की तरफ, या इस तरफ अपने मुल्क अपने वतन की तरफ जो है वो माइल कर सके, ताकि आपका ध्यान उस तरफ से बट के जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक इंसान मुसलसल मायूसी और नेगेटिविटी के दरमियान में रहे तो उसकी जहनी जो सेहत है वो खराब हो जाती है। आजकल मैं अपना हेल्थ एंड फिटनेस चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है 30 डेज, उसको अभी 30 डेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि बीच में गैप बहुत सारे आ जाते माशाल्लाह हैं। तो उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड और हेल्थ की सिर्फ बात करते हैं, उसमें मेरा मोटो यह है कि मैंने बीमारी की कोई बात नहीं करनी,
हेल्थ सेहत बहुत अच्छी मंद बात। और फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन स्टेप्स को हम शेयर करते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो है तहरीरें पढ़ के भी एक जिंदा दिली का एहसास होता है, एक खुशगवार मतलब आपकी तबीयत और मूड हो जाता है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं आपकी तहरीरों को। बहुत और मैं शुक्रिया चाहूंगी डॉक्टर कि साहब, आप जो हैं अपने मेरे ऑडियंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें, क्योंकि आधा घंटा हो गया, मैंने आपसे आधे घंटे का टाइम लिया था, तो अपने मेरे ऑडियंस के लिए कोई एक ब्रीफ सा छोटा सा जो मैसेज देना चाहें वो जरूर दें। और ये भी बताएं कि आपका जो फेसबुक पेज है उससे लोग आपको अप्रोच कर सकें। खानपुर, भावलपुर, रहिमजा खान, इस इलाके में जो लोग हैं उनको अपना क्लिनिक का भी आप बताइए, अगर वो आपके पास आना चाहें, आपसे कंसल्ट करना चाहें, तो प्लीज हमें बताइए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं छोटा सा बिल्कुल मैसेज ये देना चाहूंगा जो सैलाब के बाद मेरे जहन में ये चीज आई है, बल्कि उससे पहले भी थी। हम में से बहुत से लोग सयाहत करते हैं, बहुत से लोग घूमने जाते हैं, फैमिली के भी बहुत से आप लोग हैं जो पूरी पूरी फैमिली सवात और नारायण और कागान वगैरह जाती रहती है। तो सयाहत को थोड़ा सा रफाई और समाजी कामों के हवाले से अगर आप देखें तो हम इसको समाजी सयाहत का नाम दे सकते हैं, ये रफाई सयाहत का नाम दे सकते हैं। कि अब ये आप सोच लें कि आप अब से किसी भी इलाके में अगर घूमने फिरने जाते हैं तो आप वहां पर उनके उनको देखें कि उनको कौन सी मसाइल का सामना है, वहां पर किस चीज की कमी है, उस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है। अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके हल कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी उसको हल करें। नहीं तो एटलीस्ट आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि उसको हाईलाइट किया जा सके। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मैं जब आजाद कश्मीर गया वादिया नीलम में, तो मुझे पता चला कि केल जो है, केल पूरी वादिया नीलम का जो आखिरी सरकारी अस्पताल है वो केल में है, और जो उसकी वादियां हैं वो उससे 5-5, 6-6 घंटे आगे तक हैं। तो वहां पर जब खवातीन हामला होती हैं या उनको दर्द ज़ार शुरू होता है तो उनको 4-5 घंटे की जीपों में डाल के वहां लाया जाता है। अक्सर रस्ते में ही या तो जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं, या वो रस्ते में ही जो है वो उनका बच्चा पैदा हो जाता है, या फिर वो वहां जा भी नहीं सकती। तो ये चीज को मैंने हाईलाइट किया था, मैंने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उठाया था। तो कोशिश करें, मेरे देखने वालों से मेरी ये इल्तजा है कि आप जिन भी इलाकों में जाएं उनके समाजी हवाले से उनके मसाइल को जो है वो हाईलाइट करें, उसको हल कर सकते हैं तो उनको हल करें। इसका आपको फायदा ये होगा कि उस धरती पर जिस पर आपके पांव पड़े हैं, ना सिर्फ आप सियाहत करके आएंगे बल्कि बहुत सी दुआएं और बहुत सी मोहब्बतें भी समेट के आएंगे। उसके अलावा दोस्तों से बस मैं यही कहूंगा कि मैं खानपुर में होता हूँ और यहाँ पर मैं अक्सर फ्री सर्विसेज भी देता हूँ, हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, रफाई आमा के हवाले से भी मैं काम करता हूँ। और ये भी एक एडवाइस करूंगा कि खवातीन को खसूसन जो है, हामला खवातीन है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना एंटीनेटल चेकअप जो है वो बाकायदगी से करवाया करें, और थोड़ी सी डॉक्टर को भी स्पेस दिया करें। आप ये देख लिया करें कि अगला भी एक इंसान है, वो भी 8-8, 12-12 बल्कि 36-36 घंटों की ड्यूटी से जरा थका हुआ होता है, तो उसका थोड़ा सा मूड जो है वो, कुछ डॉक्टरों का तो अक्सर भी होता है लेकिन कुछ जो कभी कभार चिड़चिड़े हुए होते हैं तो उनको जरा बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि ये समझ के कि अगला भी इंसान है वो कोई फरिश्ता नहीं है। और बिल्कुल आप मेरे पेज का जो है वो लिंक शेयर कर दें, जो लोग मुझसे रابطہ करना चाहते हैं मेरा इनबॉक्स जो है वो उनके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिफरेंट और अच्छा पैगाम दिया बहुत शुक्रिया। कि जो है हम जिस इलाकों में जाते हैं थोड़ा से उनके सोशल प्रॉब्लम, समाजी मसाइल को भी डिस्कस कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, बहुत से लोग आजाद कश्मीर में सैर करने के लिए जाते हैं और बहुत इंजॉय करके आते हैं, लेकिन इस तरह के मसाइल को अगर आप सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम लाइट में सोशल मीडिया है जिस चीज को फोकस कर रही है, गवर्नमेंट भी जिस चीज को फोकस कर रहे हैं और इदारे भी, वो ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज हाईलाइट हो रही है। तो अगर हमारे हवाले बिल्कुल से अगर हम किसी का काम कर दें, कोई जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है उसको हाईलाइट कर दें, तो शायद कि कोई इस तरफ तवज्जो करे, वो क्या कहते हैं अरबाबे इकतदार में से कोई आए और आकर इधर नजर तैयार, घुमाए और बिल्कुल इसका हल हो जाए, तो क्या ही बात हो, हमारा वो जी काम करने का बिल्कुल, मकसद हल हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा थैंक यू लगा मुझे आपसे सो आज मच बात करके। और एक दफा जो है ना डॉक्टर, मेरे मिलते जो हैं। मेरी जो हिस्सा है ना मेरी अपनी आर्ट एंड कल्चर की, वो एक दफा फिर जिंदा हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में खानपुर कटोरा का विजिट करूंगी और कटोरे जरूर देखूंगी आपके जरूर, वहां सर। मोस्ट तो वेलकम, मोस्ट इंशाल्लाह वेलकम, जरूर अब जी, हमारी जो है मुलाकात होती रहेगी, जब भी आप भावलपुर में आए आप जरूर इंशाल्लाह तशरीफ इंशाल्लाह, मेरे पास। जरूर। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप थैंक दोनों यू कि काम आपने कर रहे हैं, ना मुझे, सिर्फ आप डॉक्टरी कर रहे हैं बल्कि ये भी काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।